Yes, boss. क्या खबर है भाई आज की? नमस्कार, आज के मुख्य समाचार। अमेरिका में कतरीना और रीटा नाम के दो तूफानों ने जबरदस्त तबाही मचा दी है। लाखों लोग कतरीना और रीटा के चपेट में आकर बर्बाद हो गए हैं और हजारों लोग अपनी जान गंवा बैठे हैं। क्या हुआ? कैटरीना रीटा दो औरतों की वजह से लाखों लोग बर्बाद हो गए। अरे भाई यार, तुम मेरा कमाल करती हो। अमेरिका में दो तूफान आए हैं, एक का नाम कैटरीना, एक का नाम रीटा, जिसकी वजह से बहुत बर्बादी हुई है। कई लोग मर गए, लाखों लोग बेघर हो गए। तूफानों के नाम अगर कैटरीना रीटा है तो वहाँ औरतों के नाम क्या? मुझे क्या पता यार, मुझे क्यों परेशान कर रही हो? देखो ना मीरा, इतनी बर्बादी, इतनी तबाही हो रही है, तुम्हारी माँ खाम खा परेशान कर रही है। तबाही बर्बादी कहाँ हो रही है, क्या हो रहा है? न्यूज आई है भाई कि अमेरिका में दो तूफान आए, एक का नाम है कैटरीना, एक का नाम है रीटा, जिसकी वजह से बहुत बर्बादी हुई है। कई लोग मर गए, लाखों लोग बेघर हो गए। मेरी समझ में अभी तक ये नहीं आ रहा कि तूफानों के नाम औरतों के नाम पे क्यों रखे हैं। क्योंकि औरत किसी तूफान से कम नहीं है। एंड डोंट वरी, अगर इंडिया में तूफान आएगा ना, उसका नाम रखेंगे तुम्हारे नाम पे, राम प्यारी तूफान। देखो बेटी, मुझे तूफान कह रहा है मतलब तुम मेरी बेटी तो वो होगी ना, वो अंधेरी। मेरी बहुत बेइज्जती हो रही है इस घर में, बहुत बेइज्जती हो रही है। तो जाओ ना यहाँ से। फिर तो जा रही हूँ ना, अंदर। अंदर नहीं, बाहर जाओ यहाँ। बाहर क्यों जाऊंगी मैं, तो अंदर ही जाऊंगी। मेरी बेटी अंदर ही जाएगी। कर देना मम्मी को हॉट, अब सारा दिन रूठी रहेंगी और कुछ नहीं खाएंगी। सीधा किचन में गई यहाँ से? स्टडी में गई है, रूठी हुई है। अच्छा, अब बताओ कहाँ गई? अब किचन। गुड मॉर्निंग सर, आपने बुलाया सर? गुड मॉर्निंग? हाँ मोहन जी, लंच टाइम खत्म हो गया, अब हुई आपकी मॉर्निंग। सर अपना तो वो हाल है कि जब जागो तब सवेरा। इसका मतलब ऑफिस में आप सो रहे थे? अब सर अगर रात भर आदमी जागेगा तो फिर दफ्तर में सोएगा ही ना। रात भर जागेगा मतलब कहीं पार्ट टाइम चौकीदारी की नौकरी करते हैं क्या? वो बात नहीं है सर, जिस आदमी की बीवी खूबसूरत हो एक गहने की तरह, तो उसको रात को फिर जाग के उसकी रक्षा तो करनी पड़ेगी। किसने कहा था आपको कि खूबसूरत औरत से शादी करो? मेरी तरह ऑर्डिनरी औरत से शादी कर देना तो ऐसा नहीं होता। वो जागती रात भर और मैं सोता हूँ आराम से। उसी का फोन आया है। हेलो डार्लिंग। डार्लिंग? मिस्टर लच्छू पटेल, मैं आपकी बीवी या माशूका नहीं हूँ जो आप मुझे डार्लिंग डार्लिंग कह रहे हैं। चेयरमैन, सॉरी चेयरमैन साहब, ये मोबाइल पे आपने फोन किया ना, तो मुझे लगा कि मेरी डार्लिंग का फोन था। कहिए सर, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? देखिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कहने के लिए मैंने आपको फोन किया है। हाँ जी सर। परसों अमेरिका से कैटरीना और रीटा आपके यहाँ आ रहे हैं, सो प्लीज मैनेज। परसों अमेरिका से रीटा और कैटरीना आ रहे हैं? ओके सर, यू विल मैनेज इट। यस यस सर, आई विल मैनेज इट। ओके, थैंक यू। क्या सर, क्या 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 खबर आई है? अमेरिका से कैटरीना और रीटा आ रहे हैं सर? हाँ, परसों। अब अपने आप मैनेज करना है। मैनेज करना सर? कैसे मैनेज करना? आपको मालूम है क्या है सर? अरे रीटा और कैटरीना बहुत बड़े साइक्लोन है, तूफान है सर। इन्होंने पूरा अमेरिका तहस नहस कर दिया सर, नेस्ता भूत कर दिया, बर्बाद कर दिया। कई लोग बह गए, हजारों लाखों लोग मर गए सर। यहाँ पर आ रहे हम भी मर जाएंगे सर। उन्होंने कहा कि वो आ रहे हैं, आप अपने हिसाब से मैनेज कर लो। मैनेज कर लो इसका मतलब क्या हुआ सर? कैसे मैनेज कर लो? दो दिन में पहले तिनका करके अपना करोना बनाया था, अब वो दो दिन में पानी में बह जाएगा। नारा सुपारा में हमारे जो करोड़ों के बंगले जू पर है, उनका क्या हुआ, सुझा आपने? माफ कीजिए सर, जब तूफान आता सबसे पहले गरीब का घरौंदा बहता पानी में, अमीरों की कोठियां नहीं बहती सर। भगवान है भगवान, तेरी कैसी विडंबना है। आज जब मैं तरक्की के कगार पे खड़ा हूँ, मेरा प्रमोशन होने वाला है, तूने ये कयामत बर्पा कर दी। खबर किसने दी आपको? चेयरमैन साहब ने सर। उस खबर की बात नहीं कर रहा, प्रमोशन की खबर किसने दी आपको? ये तो मेरा अपना ही आइडिया सर। रॉन्ग आइडिया है आपका। अपना झगड़ा बंद करो, ये सोचो कि मैनेज कैसे करेंगे। हाँ सर, ये बहुत ही मुश्किल की घड़ी है, हम सबको एक दूसरे का साथ देना है, अपना अपना हाथ देना है। देखिए सर, इस मुसीबत की घड़ी में भी इनको मीरा मैडम की पड़ी है। ये नहीं कि मुझे बचा ले, आपको बचा ले, उनको बचाने की पड़ी है। हे भगवान, मेरा क्या होगा, क्या होगा, मेरा क्या हुआ, बच्चा आने वाला है मोहन जी। ओ पापा पापा करके किसको पुकारेगा? तुम चुप बैठ यार, तू चुप बैठ। तुझे अपने आने वाले बच्चे की पड़ी है या अभी तक मेरी शादी भी नहीं हुई है? भरत, मेरी बात मान ले, जल्दी से शादी कर ले, नहीं तो मरने के बाद तेरी आत्मा पानी में तैरेगी। ऐसा मत बोलना। और मेरा क्या होगा, मेरा मंगेतर तो लंदन में 2 साल बाद वापस आएगा। ये लाइन क्लियर है? नहीं, कम से कम मेरे पास मंगेतर तो है, उस मोटू चीजों की वजह से मेरे पास एक भी मंगेतर नहीं है। काश मैंने सही वक्त पर एक
लड़का चुन लिया होता तो आज मेरी लाइफ सेट होती। लकी मुझे एक बात समझ में नहीं आती, अरे तुम भरत को पसंद करती हो, भरत तुम्हें लाइक करता है, तुम बैचलर हो, भरत स्पिंसर है, तुम दोनों आपस में भिड़ क्यों नहीं जाते? What do you mean by भिड़ जाओ? अरे शादी कर लो दोनों यार, शादी कर लो, वरना दो दिन के बाद तुम्हारे अरमान बाढ़ में बह जाएंगे। I'm telling you. लेकिन मोहन जी अगर मैंने भरत से शादी कर ली ना तो जीजू बहुत नाराज हो गए। Come on यार, come on, भूल जाओ जीजू को, जीजू को मारो गोली। अरे मैं गोली मारा क्या चढ़ा रहे हो, क्या चढ़ा रहे हो, लकी की शादी हो भरत के साथ है? सर क्या बुराई है उसमें, क्या बुराई है भरत में, सर अच्छा है, हैंडसम है। देखिए मोहन जी, मेरी नजर में एक लड़का है, लकी को बहुत प्यार करता है, उससे शादी भी करना चाहता है। अच्छा हाँ, कौन है सर? है एक लड़का है। कौन है सर? अरे सर कहाँ रहता है, क्या करता है, नाम क्या बताइए ना सर। जान पहचान का है एक, तो निकालिए उसको, शादी कराइए। पता है ना, पता है ना वो लड़का कौन है, फिर क्यों सबके सामने मेरा मुंह खुलवा रहे हो? इतना मोटा, इतना बुढ़ा लड़का। जो कुछ भी होने वाला हम सबके साथ होने वाला, तुम्हारे साथ भी, मेरे साथ भी, हम सबके साथ। लेकिन क्या हम इस कैटरीना और रीटा का आना कैंसिल नहीं कर सकते? बस ट्रेन या फ्लाइट नहीं है बेबी, ये तो नेशनल कैलेमिटी है, ये तो होना ही है, हम सबको मरना ही है, वी हैव टू डाई। लेकिन मुझे ना मरने से बहुत डर लगता है। तुम एक काम करो, तुम चले जाओ अपने माँ बाप के पास, वो उनके साथ मरो तो क्या है कि एक ग्रुप डेथ भी हो जाएगी और ग्रुप पिक्चर भी खींच जाएगी। नहीं विनोद, मैं एक हिंदुस्तानी नारी हूँ और मैंने तुम्हारे साथ सात फेरे लिए हैं, अब मैं तुम्हारे साथ ही जीऊंगी और तुम्हारे साथ ही मरूंगी। तुमने कभी मुझे चैन से जीने ना दिया, कम से कम चैन से मरने तो दो। एक्सक्यूज मी, आप क्यों आए हैं इन हालात में अपनी मनमुस सूरत लेके मेरे घर पे? सर गुस्सा मत कीजिए सर, अभी क्या है, सब खत्म हो रहा है, तो आई थॉट कि खत्म होने से पहले मैं अपने अजीज के दर्शन करता हूं। अजीज? दुनिया भर की पराई औरतों को आपने अजीज बना रखा है, आपको अपनी बीवी की चिंता है कि नहीं? ऑफ कोर्स है सर, ऑफ कोर्स। एक मिनट विनोद, प्लीज मुझे मोहन जी के दीदार कर लेने दो, फिर पता नहीं किस जन्म में मुलाकात होगी। एक काम करो, तुम दीदार करो और साथ में चली जाओ, और साथ में निकल भी लो ऊपर भी, उन्हीं के साथ भी। लेकिन मैं तुमको अकेला छोड़ के कैसे जा सकती हूँ? यू आर राइट मैडम, आपको इन्हें बिल्कुल अकेला छोड़ना नहीं चाहिए, वरना बंटी जी की डेथ अकेले हो जाएगी ना। किस हिसाब से, किस हिसाब से? सर आप तो मीरा मैडम के साथ ही होंगे ना। एक मिनट विनोद, तुम पूरी जिंदगी मोहन जी के साथ झगड़ते आ रहे हो, अब इन लास्ट स्टेजेस में प्लीज इनके साथ प्यार से बात करो, दोस्ती कर लो इनके साथ विनोद, दोस्ती। तुमने आज मेरी आंखें खोल दी, मैंने मोहन जी के साथ बहुत दुश्मनी निभाई, अब मरने से पहले मैं चाहता हूँ मैं आपसे दोस्ती कर। रियली सर? लेट्स ट्राई एस फ्रेंड्स। ऐसे आप दूर से आएंगे भागते हुए और इंपैक्ट के साथ मेरे गले लगेंगे, तो मजा आएगा। दूर से? या ओके राइट, ओके यस यस कम ऑन यस मोहन जी। सो यू रेडी फॉर मी सर? आई एम ऑलवेज रेडी सर, आई एम कमिंग हेड ऑन। यस प्लीज, ओके। दोस्ती करेंगे मुझसे? आपकी औकात है मुझसे दोस्ती करने की? औकात है आपकी? कहा गेट आउट। क्या भगवान, ऐसे भी क्या जल्दी है, इतनी जल्दी क्यों बुला रहा है मुझे ऊपर? जल्दी नहीं बुला रहा है, बल्कि लेट हो गया भगवान तुमको ऊपर बुलाने में। अरे और कितना टाइम लगोगे यहाँ पर, पूरे मोहल्ले में तुम्हारी उम्र की सब बुढ़िया कब की निकल चुकी हैं, एक तुम ही यहाँ पर अटकी पड़ी हो। देखो मैं पहले से परेशान हूँ, मेरे जख्मों पे नमक मत छिड़को तुम। मैं हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज दो दिन के लिए यहाँ से चले जाओ, प्लीज। क्यों 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 चले जाओ? देखो मैं अपनी बीवी के साथ ठीक से जी तो नहीं सका, मुझे कम से कम चैन से मरने तो दो उसके साथ। मैं नहीं जाऊंगी, मुझे इस घर से, मेरी मुंबई से लगाव हो गया है। आमची मुंबई? हरित कहाँ रहे? मीरा जी। हेलो आंटी जी। हेलो बेटा। जो जुक पे रुक क्यों गई आप? जो ये भी तो नहीं कह सकती ना बेटा, बस यही दुआ कर सकती हूँ भगवान तुम्हारी आत्मा को शांति दे। और मैं भी आपके बारे में ऐसे कुछ कह सकता हूँ कि भगवान आपको एक शांत और बहुत ही मीठी और स्वीट मौत दे, दैट्स ऑल। हेलो सर। मीरा जी और कहानियां रह जाएंगे, बस वो कहानियां सुनाने के लिए कोई बचना भी कुछ नहीं है ना बेटा। ये उजड़ी हुई बस्तियां, ये हवाएं, ये घटाएं, ये टूटे फूटे बहते हुए पानी में सोफे, ये जुड़े दरवाजे, ये टूटे दरवाजे, खिड़कियां, सब कुछ मेरा जी मेरा दिल भर।
मैं चाहता हूँ कि मैं आपके कांधों पे सर रख के रो बेटा, जी भर के रो ले, फिर पता नहीं कोई कंधा मिले या ना मिले। कितने सुकून में है आपके कंधे। वर्मा साहब, ये तो हक है आपको, आपको अपनी बीवी के कंधे पे सर रख के रोना चाहिए, मेरी बीवी के कंधे पे सर रख के रोना, ये कौन सा तरीका है? देखिए अब दो दिन की बात है, प्लीज प्लीज मेरी बीवी को अकेला और आजाद छोड़ दीजिए प्लीज। मैं भी आपसे ये कह रहा हूँ कि दो दिन की बात है, आप प्लीज मीरा जी को आजाद कर दीजिए, आजाद छोड़ दीजिए उनको। अच्छा आप मेरे घर में खड़े होके मुझे ही कह रहे हैं कि मैं अपनी बीवी को आजाद कर दूं, निकलिए यहाँ से बाहर। ये कोई तरीका हुआ बॉस से बात करने का? भाड़ में क्या ये बॉस, भाड़ में क्या? I'm fed up. वैसे भी अब दो ही दिन रह गए मेरा, दो दिन। मैं सोच रहा हूँ कि वर्मा के बच्चे को बता ही दूँ कि हम दोनों पति पत्नी हैं। उसको मालूम तो पड़े कि मैं कितना बड़ा शातिर दिमाग आदमी हूँ, कि इतने सालों से रात मैंने अपने सीने में दबा के रखा है। भगवान कल किसी भी वक्त कटरीना और रीटा यहाँ से यहाँ तक समझ में नहीं था क्या करूँ उसको, कैसे मंगाई थी क्या? हाँ सर। रखो यहाँ पर, देखो कल सब कुछ खत्म हो जाने वाला है तो अपने आप को काम में मत फंसाओ, आराम करो। हम सब आराम करें, काम करो। आप कुछ कह रहे थे? मैं ये कह रहा था कि मैं तुम्हें कुछ खास बात बताना चाहता हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आई क्या करे, बोलिए ना। बोल रहा हूँ जोर से मत बोलो, मैं नर्वस हो जाता हूँ। मैं कहना चाहता हूँ कि आई यू नो सर, ये कहना चाहता हूँ कि आई एम वेरी सॉरी, मुझसे गलती हो गई, मैं तुम्हारे डैडी की उम्र का हूँ, मुझे माफ कर दो, कल तूफान आ रहा है, जाओ खेलो खाओ कूदो ऐश करो, am I right sir? क्या जीजू इतनी सी बात के लिए आप ही ना, चलो मैंने आपको माफ कर दिया, ओके बाय। आप में तबीयत नाम की कोई चीज है कि नहीं? मैं अपनी साली लक्की से प्राइवेट बात कर रहा था, आप बीच में टपक पड़े। मुझे लगा आपने फिर कोई गलती कर दी, आप आई एम सॉरी कहना चाहते हैं सर, दैट्स व्हाई कंप्लीट योर सेंटेंस। अरे आई से सिर्फ आई एम सॉरी होता है क्या? और क्या होता सर? आई किल यू, आई हिट यू, आई स्लैप यू, आई हेट यू, क्या सर फिर क्या? आई लव यू भी तो बता दे। मरने से पहले दो चार दिन की बात है, मरने से पहले हम पैसा कर लें, अच्छे दोस्त बन जाए, गुड नो डिनो। लेकिन इस बार मैं दूर से भाग के नहीं आऊंगा सर, मेरे सर में अब तक दर्द हो रहा है। और सर मैं भी चाहता हूँ कि अब हम लोग निकलने वाले हैं एक दिन में, वो कैटरीना और वो आ रहे हैं, तो मेरे दिल में भी एक बात है, मैं चाहता हूँ आपको बता दूं ताकि मेरा दिल हल्का हो जाए। बोलिए प्लीज बोलिए। लेकिन सर कहीं ऐसा ना हो कि वो बात सुनकर आप कयामत से पहले ही दुनिया से कूच कर जाए। कुछ तो करना दो दिन की बात है। बोलिए क्या बात? सर बात यह है कि मैं और मीरा मैडम जो है ना, मोहन जी क्या कर रहे हैं आप? मैडम कुछ मेरे साथ चलिए, काम है, चलिए वो कोल्ड ड्रिंक वाले से बात करते हैं। मैडम ये बात करनी है मैडम, मेरे साथ चलिए आप चलिए सर, सर बात करते हैं, टाइम नहीं सर, मेरी इधर आओ। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? तुम वर्मा साहब को क्या कहने जा रहे थे? मीरा एक आध दिन की बात रह गई है, दुनिया फना होने वाली है, रीटा कैटरीना आ रहे हैं, सब कुछ खत्म हो जाएगा, तहस नहस हो जाएगा। मैं चाहता हूँ कि बनने से पहले ये बोझ उतार दो अपने दिल से, उनको उनको बता दो कि हम दोनों पति पत्नी हैं। तुम सब लोग पागल हो गए हो, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। मैंने वेदर ब्यूरो को फोन किया है, उनके पास ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। वेदर ब्यूरो को कुछ मालूम नहीं होता है, तूफान आने के बाद वो बोलते हैं तूफान आ गया, भूचाल आने के बाद बोलते हैं भूचाल आ गया, दे डोंट नो एनीथिंग इन एडवांस यार। अरे बाबा कुछ नहीं होने वाला है, चेयरमैन साहब को भी गलत इन्फॉर्मेशन मिली हुई है, तुम क्यों नहीं समझते? मोहन जी मैं एक अच्छे दोस्त होने के नाते आपसे एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप प्लीज मुझको मीरा जी को कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दीजिए। सर मैं छोड़ दूंगा, उसके पहले मेरी दिल की बात सुनिए सर। सर देखिए बात ये बोलना चाह रहे थे मीरा जी, सर टाइम पास कर रहे थे, बहुत सारा काम पड़ा हुआ, इम्पोर्टेंट काम, वेस्ट कर रहे टाइम। अच्छा खैर एनीवे मैं आपसे कुछ रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ मीरा जी। मीरा जी मैं चाहता हूँ कि आज रात को आप मेरे साथ मेरे घर पे डिनर करें मीरा जी, आइए मीरा जी आइए, इस घर को आखिरी बार देख लीजिए, पता नहीं दोबारा देखना नसीब हो ना हो।
अरे क्या लेंगे आप, अंडे की भुर्जी पाव? सर वो तो सब मैनेज हो जाएगा, लेकिन ये तो बताइए कि कविता जी कहाँ है, दिखाई नहीं दे रही। फ्रेंड क्या भेज दिया मैंने उसको? क्यों सर? अब मीरा जी मुझको और आपको डिस्टर्ब करती है यहाँ पे। डिस्टर्ब? नहीं नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल अगर वो होती तो और भी मजा आता है एक्चुअली सर। मीरा जी दरअसल मैंने चाह रहा था कि मेरे और आपके अलावा यहाँ पे तीसरा कोई हो। क्यों सर? मीरा जी दरअसल मैं चाहता हूँ कि आज की रात मैं आपको ऐसे टकटकी बांध के देखता रहूँ बस। पता नहीं कयामत के बाद ये हसीन चेहरा दोबारा देखने मिले ना मिले मीरा जी। कयामत 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 के क्या लगा रखा है सर आप लोगों ने? ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, आप खामखा घबरा रहे हैं। कुछ नहीं, आप बोल रही ना मीरा जी कुछ नहीं होने वाला। यू नेवर नो, आप पॉजिटिव थिंकर हैं लेकिन मैं बहुत नेगेटिव थिंकर हूँ मीरा जी। एक कई सालों से एक ख्वाहिश मेरे 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 अंदर दबी हुई थी, एक तमन्ना जो कि मैं आज पूरी कर डालूंगा। कैसे तमन्ना? वो मैं आपसे कुछ 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 कहना चाह रहा हूँ। क्या कहना चाह रहे सर? मेरा जी वो मैं आपसे वो करता हूँ वो ऐसे 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 शुरू होता है। लंच सर? कम ऑन मीरा जी, लंच की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, वो ई पे खत्म हो जाता है। लंच ही सर, छोटा लंच। ऑन मीरा जी, आई एम नॉट सो स्टूपिड। वो बीच में ओ भी। एक्सक्यूज मी सर, मुझे एक बहुत अर्जेंट बात करनी है सर आपसे। बात कीजिए, जाइए यहाँ से। सर बात यह है कि सर कयामत आने वाली है सर, एक दो दिन में सब खत्म हो जाएगा, लेकिन मैं ये बोझ अपने सीने पर लेकर मरना नहीं चाहता। मैं आपको साफ साफ सब कुछ बता देना चाहता हूँ सर। बात यह है कि मैं और मेरा मैडम बात तो सुनो यार, कोई मेरी बात सुनने को तैयार ही? कुछ भी समझ नहीं आया। मैं ये बोझ लेके अपने दिल पे मरना नहीं चाहता। कैसा बोझ विनोद? तुम तो अपने फ्रेंड क्या गई थी ना? हाँ, लेकिन मेरी सिक्स सेंस ने मुझे बताया। तुम्हारे पास एक सेंस तो है नहीं, छठी कहाँ से आ गई? Shut up! मुझे पता था कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ होने वाली है। By the way, मीरा जी क्यों आई थी यहाँ पर? चुपचाप यहाँ से चली जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि कल की मरती आज मेरे हाथों पे। मोहन जी, आपने वर्मा साहब को बताया था कि आप और मीरा मैडम पति पत्नी हैं? मैंने बहुत बार कोशिश की दोस्त, बहुत बार कोशिश की, लेकिन हर बार मीरा साहब। मोहन जी, जिंदगी की आखिरी घड़ी आ चुकी है, रीटा और कटरीना कभी भी आ सकते हैं। आप वर्मा साहब को सब कुछ सच सच बता दीजिए और अपना बोझ हल्का कर लीजिए। यू आर राइट भरत, यू आर राइट। मैं इतना बड़ा बोझ अपने सीने में लेके मरना नहीं चाहता। मोहन जी, मैं अपना बोझ भी हल्का करना चाहता हूँ। तुम्हारे सीने पे कौन सा बोझ है यार? मुझे याद है आपके जेब में से 2 बार पर्स गायब हुआ था। हाँ हाँ, पता नहीं पगार वाले दिन किस कमीने ने, किस कुत्ते ने मेरा पर्स मांग लिया था, मुझे मिल जाए तो मैं। मुझे वो कमीना, वो कुत्ता, मैं। क्या तुमने अपने दोस्त का पर्स मारा? सतु तूने शर्म नहीं आती तुम्हें? क्यों किया तुमने ऐसा, क्यों किया? मुझे क्या है, मुझे पुष्पा को लेके 5-star होटल में जाना था। 5-star? लेकिन दूसरी बार क्यों मारा? पुष्पा को लेके दूसरे 5-star होटल में जाना था। दो बार तुझे मारा मैंने। मोहन जी, आज भी जेंटलमैन, अब हम लोग 30 सेकंड का मौन व्रत रखेंगे, उसके बाद सब लोग अपने अपने घर जाओ और मर जाओ। सर 1 सेकंड, मौन व्रत रखने से पहले मोहन जी हम सबसे कुछ कहना चाहते हैं। मोहन जी, जो आप कहना चाहते हैं हम सबके साथ शेयर कीजिए प्लीज। एक्सक्यूज मी, मोहन जी पहले मौन व्रत रख लें। नहीं 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 मैडम, ये ऐसा बोझ कई सालों से मैं अपने सीने में लेकर जी रहा हूँ। हाँ। इस बोझ के साथ में मरना नहीं चाहता। कम ऑन, स्पीक अप फॉर गॉड सेक। मैं बोल रहा हूँ सर, बात ये है सर। अरे बोली क्या बात है? बोल रहा हूँ सर, आप डांटिए मत, आज के दिन तो मत। हाँ बोलो बोलो बोलो। बात ये सर कि मैं और मीरा मैडम है ना, क्या हम दोनों है ना, क्या हम दोनों है ना वो, आप और मीरा जी क्या? क्या? हेलो हेलो हेलो, क्या रहा यहाँ पे? हेलो सर, हेलो सर। आइए आइए चेयरमैन साहब, आप भी हमारे साथ मौन व्रत रखिए। मौन व्रत क्यों? कोई नेता मर गया है क्या यहाँ? अरे नहीं भाई, हम सब लोग एक साथ मरने वाले हैं। क्यों, ऑफिस में कुछ ऐसा वैसा काम किया है कि आप सब कलेक्टिव आत्महत्या कर रहे हैं? चेयरमैन साहब, आपने तो मुझे फोन पे कहा था कि अमेरिका वाला कैटरीना और रीटा तूफान यहाँ आने वाले। मिस्टर लच्छू पटेल, अपने कानों का इलाज कराइए। मैंने फोन पे कहा था कि हमारे अमेरिकन पार्टनर मिस्टर जेम्स व्हाइट की 2 बेटियां कैटरीना और रीटा यहाँ आ रही हैं। आप उन्हें रिसीव कीजिए और उन्हें लुक आफ्टर कीजिए, और इनफैक्ट वो यहाँ मेरे साथ आई हुई है। हे गर्ल्स, कम ऑन इन, कम ऑन कम ऑन,
I'll introduce you. Oh. So friends, she's Katrina and she's Rita. Hello everybody. Hello. इसका मतलब चेयरमैन साहब कोई तूफान नहीं आने वाला? बिल्कुल नहीं। अरे भाई खाओ भी ऐश करो खर्चा बता जाओ। मोहन जी मेरा एक सेकंड। मोहन जी आप मोहन भाई से पहले कुछ कहना चाह रहे थे? आप सर मैं और मीरा मैडम सर क्या? सर कैसे बोलूं मैं? बोलिए। मतलब मैं और मैडम हम दोनों अच्छे दोस्त हैं। बस इतनी सी बात एक रूटीन बात बताने के लिए आपने मेरा इतना वक्त बर्बाद किया।